नमस्कार दोस्तों, हम सीख रहे हैं 2D एनिमेशन और 2D एनिमेशन में आपको बता रहे थे एनिमेट सीसी के बारे में। तो मैंने पीछे के वीडियो में आपको दिखाए थे इस कैरेक्टर को क्रिएट करके और कैसे मैंने वर्क कराए थे इसके बारे में भी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा इसके जो साइड व्यू को कैसे क्रिएट करते हैं और उसके मैं सारी को भी कुछ एनिमेशन करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास ये एक कैरेक्टर है, इसको हम जो है साइड व्यू क्रिएट करेंगे और जब ये कैरेक्टर चलता है तो इसके जो साड़ी का कुछ एनिमेशन होता है उसको मैं करके दिखाऊंगा और कोई भी जब चेयर पे बैठना हो तो कैसे बैठाते हैं इस कैरेक्टर को वो भी आगे के वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो पहले हम क्या करते हैं इसको क्रिएट करते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक लेयर लेते हैं नॉर्मल, यहाँ पर क्या करता हूँ एक लेयर क्रिएट करता हूँ और एक ड्रैग करता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ इसका जो कलर है इसका कलर कोई भी फिल कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ इसको सिंबल में कन्वर्ट करेंगे। इस कैरेक्टर को भी मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ, इसको मैं सिंबल में कन्वर्ट करता हूँ और इसके अंदर जाते हैं। अब इस लेयर को मैं हटा देता हूँ यहाँ से और इसको क्रिएट करेंगे। पहले मैं इसके साड़ी के पार्ट को क्रिएट करेंगे तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ पी प्रेस करते हैं। पी प्रेस करने के बाद मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ। इस टाइप से क्रिएट किए हम इसको क्या करते हैं आउटलाइन देते हैं। आउटलाइन का कलर मैं जो है वाइट कर देता हूँ, वाइट को मैं ब्लैक कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से फिर से एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा और अब की बार मैं क्या करूँगा इसको जो यहाँ पे शेडो बन रहा है इसको हम क्रिएट करेंगे। पी प्रेस करते हैं, यहाँ पे मैंने क्रिएट किए, मैं इसको थोड़ा सा राउंड कर लेता हूँ इस टाइप से। इस टाइप से मैंने इसको क्रिएट किया हूं। अब हम क्या करेंगे इसको मैं क्या करता हूं कॉपी करता हूं, इसको यहां से कॉपी किए एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल शिफ्ट वी तो सेम जगह पे जो है प्लेस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसको मैं लॉक कर देता हूँ और इसको मैं एडिट करूँगा, इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर इस टाइप से। फिर मैं क्या करूँगा इसको कॉपी करते हैं, कॉपी किए यहाँ से इसको हम लॉक करते हैं, एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट वी करते हैं, सेम जगह पे प्लेस हो जाएगा। मैं फिर इसको एडिट करूँगा, एडिट करने के बाद मैं इसको रखूँगा यहाँ पर मैं एक लेयर और क्रिएट करूँगा। इसको मैं क्या करता हूँ सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ से और एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ, इसको मैं लॉक कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करता हूँ, सेम पोजीशन पे पेस्ट हो गया। फिर से मैं इसको एडिट करता हूँ और इस बार मैं रखता हूँ इसको यहाँ पर। तो मैंने इस टाइप से जो है इसको क्रिएट कर लिया हूँ। अब मैं क्या करूँगा इसके बाहर जाते हैं, इसकी लेयर को मैं हटा देता हूँ और इसको मैं रखता हूँ साइड में, यहाँ पे रखता हूँ और मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ, सेम कलर फिल करते हैं। यहाँ से कॉपी किए यहाँ कलर इसकी जो है, पहले यहाँ से ये हटा देता हूँ और इसको मैं इसके पिंक कलर को कॉपी किए यहाँ से और इसके अंदर जाते हैं, इसमें फील कर देते हैं।
इस टाइप से मैंने सभी में कलर फिल कर दिए। अब इसके अंदर जाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको सभी को मैं कन्वर्ट टू सिंबल में क्रिएट करूँगा। डबल क्लिक करते हैं, सिंबल कन्वर्ट किए, सिंबल में कन्वर्ट कर देते हैं। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, ऊपर का क्रिएट करूँगा पार्ट। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद मैं जो ये यहाँ पे लाइट शेडो बन रहा है, इसको हम क्रिएट करेंगे। यहाँ से मैं पी प्रेस करता हूँ, इस टाइप से क्रिएट हो गया। इसका कलर मैं इसे थोड़ा सा लाइट रखूँगा। इसके अंदर जाते हैं और इसमें भी सेम कलर हम फिल करेंगे और इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। और इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर और इसमें मैं थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ इसे मैच करके यहाँ पर। अब की बार हम क्या करेंगे, यहाँ जो यहाँ पे डार्क कलर दूसरा कलर है इसको हम क्रिएट करेंगे। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लाइन क्रिएट करता हूँ, पी प्रेस करते हैं और इस टाइप से मैं एक लाइन क्रिएट कर दिया हूँ। तो ये कलर जो है सेम अलग बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका कलर सेम रखता हूँ जो ये कलर है, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और इसके अंदर जाते हैं। ये कलर मैंने फिल कर दिया, यहाँ से मैं लाइन हटा देता हूँ इस टाइप से। अब इसके अंदर जाते हैं हमें। इसके अंदर जाने के बाद मैं क्या करूँगा, इस दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, इस पार्ट को, इसको और इसको, और F8 करके सिंबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इस टाइप से हमारा जो है ये पार्ट क्रिएट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर के पार्ट को क्रिएट करेंगे। तो मैं इसके जो है बॉडी को क्रिएट करता हूँ, पी प्रेस करता हूँ और एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। यहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ, और मैं थोड़ा दूर तक क्रिएट करूँगा क्योंकि जब एनिमेशन करे तो उसके अंदर ये भी सही से एनिमेट हो। इस टाइप से ये हमारा क्रिएट हो गया। उसके बाद हम यहाँ से फिर से एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं और इस बार मैं यहाँ से हाफ पार्ट को क्रिएट करेंगे, पी प्रेस करते हैं और एक यहाँ पे लाइन लगाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें भी कलर फिल करते हैं सेम कलर जो इसका है। आई ड्रॉपर से पिक किए इसको कलर को और इसके अंदर जाते हैं। इसका कलर हम सेम रखेंगे और जो इसको अभी हम हाइड यहाँ से कर देते हैं और इसके जो है यहाँ से साड़ी को क्रिएट करेंगे, पी प्रेस करते हैं और एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। और फिर से मैं पी प्रेस करता हूँ और डार्क कलर को क्रिएट कर लेते हैं। स्टेप से मैंने इस टाइप से लाइन क्रिएट कर लिए हैं, इसको मैं थोड़ा सा और एडिट कर लेता हूँ इस टाइप से। हम इसमें कलर फिल करेंगे तो यहाँ से पी प्रेस करते हैं और सेम कलर हम फिल करेंगे इसमें इस टाइप से। और इसका जो कलर है मैं गोल्डन कलर फिल करूँगा इसमें और इस वाले में
और इसका कलर हम डार्क फिल करेंगे, जो यहाँ पे ये कलर है, पिक करते हैं कलर और यहाँ पे इसके अंदर जाते हैं और इसका कलर भी फिल कर देते हैं। और जो ये कलर है मैं इसको भी डार्क कलर फिल कर देता हूँ। और यहाँ से मैं सभी को आउटलाइन को यहाँ से डिलीट कर दूँगा। इस टाइप से हो गया हमारा। सभी को सेलेक्ट करते हैं और F8 करके सिंबल में कन्वर्ट करते हैं और इसको रखते हैं हम यहाँ पर इस टाइप से। और मैंने एक हाइड लेयर किया हूँ, इसको ऑन करते हैं। और इसको भी मैं क्या करता हूँ, इसके बॉडी का कलर फिल करता हूँ। यहाँ से मैं ये कलर फिल करता हूँ इसमें और इसमें, और इसके आउटलाइन को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और इसको क्या करता हूँ, सिंबल में कन्वर्ट करता हूँ और इसको भी मैं रखता हूँ यहाँ पर। और इसको मैं कर देता हूँ नीचे। इस टाइप से। और इसमें मैं यहाँ से मैच करता हूँ इसको, इसके अंदर जाते हैं और इसको मैं यहाँ तक रखता हूँ। ये हमारा जो है कुछ इस टाइप से बॉडी क्रिएट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसके जो है यहाँ पे ये जो पल्लू है इसको हम क्रिएट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके जो पल्लू है सेम हम यही पल्लू को ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं इसको और इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पर क्रिएट हो गया और इसको मैं नीचे कर देता हूँ इस टाइप से। इस टाइप से हमारा क्रिएट हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ इस टाइप से। और हम इसका जो हाथ है वो भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ तीनों तीनों लेयर को और इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसके हाथ को यहाँ से मैंने कॉपी किया और इसके अंदर गए। यहाँ से मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ, यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर देता हूँ, जो कि सभी अलग अलग लेयर पे आ जाए। इस तीनों लेयर को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसके नीचे रखता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे रख देता हूँ। और इस हाथ को मैं रखता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पे हो गया। और इसके इसको ऊपर रखता हूँ, आप देख सकते हैं इसके अंदर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है यहाँ से मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ क्योंकि ये साइड में दिख रहा है। इसके अंदर जाते हैं, मैं थोड़ा सा इसको एडिट कर लेता हूँ और नीचे भी कर देता हूँ। इस टाइप से हमने इसको एडिट कर लिए, अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इस टाइप से हमारा ये क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके जो गला है उसको क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ, पी प्रेस करते हैं इस टाइप से। और इसका कलर हम रखेंगे सेम स्किन का कलर। इसको यहाँ से कट करते हैं और इस लेयर के अंदर जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। और इसको नीचे कर देते हैं और इसका जो लाइन है ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये हमारा क्रिएट हो गया है, आप देख सकते हैं। ये साथ को मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा स्टेप करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो कैरेक्टर है कुछ इस टाइप से क्रिएट हुआ है। तो हम आगे के वीडियो में आपको दिखाऊंगा इसके जो फेस है उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा।
अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर दोस्तों मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेकर आऊँ तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।